मनीष साहब, रियल स्टेट सेक्टर के वो जो थ्रेट है, हम बड़ा वाजे जानते हैं कि वो थ्रेट सिर्फ फाइल और 10% बुकिंग वाले सेक्टर को है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप क्या सोचते हैं कब तक वो लोग, मतलब उनकी कमर सीधी होगी, कब तक वो लोग मतलब उनकी फाइल्स प्रॉफिट में आएंगी? ये तो बड़ा नुकसान, मतलब अभी थ्रेट मौजूद है बड़े नुकसान का। मनीष साहब देखें, ये थ्रेट तो उस वक्त तक मौजूद रहेगा, बाकी हालात को बिल्कुल साइड पे हम रखते हुए ये थ्रेट उस वक्त तक मौजूद रहेगा, कोई भी सोसाइटी हो, ख्वा कोई बड़े नाम वाली है या छोटे नाम वाली है, जब तक वो डिलीवर नहीं करती जिसको उन्होंने फाइल दी है, जिससे इंस्टॉलमेंट उन्होंने रिसीव की है, जब तक उसको पोजीशन नहीं देते वहाँ पे, मौके के ऊपर डेवलपमेंट नहीं करते, सारी सहूलियात नहीं लाते, तो उस वक्त तक तो ये थ्रेट मौजूद रहेगा। बेशक अगर हालात मुल्क के अच्छे भी हो जाते हैं, हमारा डॉलर भी ठीक आ जाता है, हमारी इकोनॉमी सेट हो जाती है, लेकिन जिस फाइल, जिस सोसाइटी के अंदर किसी क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे उसने फाइल ली हुई है, वो तो उस वक्त तक उसका थ्रेट ही है जब तक कि वो सोसाइटी काम नहीं करती उसके ऊपर, वो कोई भी सोसाइटी हो, इसमें बड़ा नाम भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब मुतासरीन जो है, बड़े बड़े नामों के अंदर भी मुतासरीन है और छोटे नामों के अंदर भी मुतासरीन मौजूद है, लेकिन इसका यही है कि जब तक कि वो सोसाइटी काम नहीं करती, वो डिलीवर नहीं करती, उस वक्त तक ये थ्रेट मौजूद रहेगा। हमारे मुल्क की हालात, ये रिसेशन, सारी चीजें बेशक दुरुस्त भी हो जाए, लेकिन वो थ्रेट अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। शफीक साहब, आपकी तरफ आऊंगा, अयान सईद हैं, वो हमसे एक मशवरा लेना चाहते हैं, मनीष साहब से भी फिर इनके सवाल पे बात करूंगा। कहते हैं कि कामरान, वो जानना चाहते हैं कि क्या इस वक्त कौन सा काम करना चाहिए हमें, सखर रोड पे कोई मतलब मशवरा दे कि हम कोई पेट्रोल पंप लगा लें। अयान सईद को मशवरा दें, इस वक्त कौन सा बिजनेस होना चाहिए? मेरा तो ख्याल है फ्रूट का बिजनेस होना चाहिए। शुरू करें, अल्लाह का नाम लेकर जो आप समझ सकते कर सकते हैं, पेट्रोल पंप लगाए या और कुछ करे, या लस्सी लगाए या कोई और सेल परचेज करे, अजलास मनीर साहब, आप पे डिपेंड, कौन सा बिजनेस करेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, जैसे शफीक साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तजारत सारी अच्छी है, लेकिन उससे पहले मैं एक गुजारिश उनसे करूंगा कि उनका एक्सपीरियंस किस फील्ड के अंदर है। अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड के अंदर, अगर उसको चूज कर लेंगे तो यकीनन एक अरसे तक वो अपना नुकसान करेंगे जब तक कि उनको एक्सपीरियंस हासिल नहीं होता। और फिर ये जो स्पेशली ये पेट्रोल और इस तरह की गोल्ड हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, इसकी जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी भी चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट कम से कम बैंक में, ताकि आप किसी भी क्राइसिस की सूरत में आप उसको जो है आप हैंडल कर लें। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप इस्तखारा कर लें और अपने एक्सपीरियंस को देखें किस तरफ जो है आपका एक्सपीरियंस जा रहा है, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उस कारोबार के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करते करते फिर आप अपना अच्छा खासा लॉस कर जाएंगे। 22 से शुरू है, 23 आ गया, आगे 24 है, तो 25 में इंशाल्लाह जब अच्छी हमारी पॉलिसी कोई ऐसी आती है तो सर्वाइव तो कर जाएगी और वापस भी आप ले। लेकिन वो जो छक्का लगने वाली बात है कि रातों रात सुबह ले तो शाम को बेचे, वो अब नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में किसी को नुकसान नहीं होता, ये आप जानते हैं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नुकसान दे है। इस वक्त वो ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है जो लोकेशन 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 अच्छी हो, एनओसी वाली सोसाइटी हो और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड डेवलपर का अच्छा हो, तो वो है। अनदेखे दोस्तों को कहने पे, रिश्तेदारों को कहने पे, चले भी मेरी भी फाइल ले आए, मेरा भी प्लॉट ले लें, बुक करा ले, स्टार्ट में पे देना, तो वो फिर ऐसे ही 10-20 साल के लिए। इस वक्त आप देख लें कि आपकी जो सोसाइटियां लॉन्च हुई थी उधर ही बैठी हुई है, कोई जीरो डेवलपमेंट है किसी की, प्लाटों के रेट गिर चुके हुए हैं, कोई सेल परचेज ही नहीं है, लोग अपनी फाइल को माइनस में भी नहीं बेचते, ना कोई खरीदने वाला है, वो माइनस में भी कोई नहीं लेने वाला। ये चीजें अभी चलेंगी, कितने अरसे तक अंदाजन ये चीजें चलेंगी? एटलीस्ट 25 करेगी, जिसके पास एनएससी है, जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, कॉस्ट ऑफ
डेवलपमेंट भी बढ़ गया है, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी वो डेवलप कर रही है, लोगों को पोजेशन दे दिया, लोग उसमें रहना चाहते हैं या वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए 25 तक तो इंतजार करना पड़ेगा। और जो सोसाइटी सिर्फ पैसे इकट्ठे करके उनकी से इंस्टॉलमेंटों से उन्होंने डेवलपमेंट करने तो वो तो चलता रहेगा सदाबहार। उस सोसाइटी होगा जिसमें आपका रूरल किंगडम, नया सिटी वंडर, अपना सारे सेवन वंडर हो गया, सिल्वर सिटी हो गया, कैपिटल वैली और इस तरह सो ऑन, वो सोसाइटी इसी तरह लोगों को पैसे लेके बैठी रहेगी। और जो अच्छी सोसाइटी होगी वो सर्वाइव करेगी, लेकिन इस वक्त सैलरी सैलर है, बायर कोई नहीं किसी सोसाइटी में, ये आप उससे ज्यादा जानते हैं। इंशाल्लाह हम कल भी आपको ज्वाइन करेंगे और स्टिल जब तक मैं पाकिस्तान हूँ उस वक्त तक ज्वाइन करूँगा अगले 2-3-4 दिनों में, और उसके बाद मनीर साहब होंगे और मैं आपको ज्वाइन करूँगा व्हाट्सएप के जरिए अब्रॉड से, और इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अब शफीक साहब को इस्लामाबाद से, मनीर साहब को MZ स्टूडियो से, और कामरान खान को MZ स्टूडियो से आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल हम हाजिर खिदमत होंगे रात 9 बजे। कल तक खुदा हाफिज़।